शोमैन सुभाष घई के ड्रीम प्रोजेक्ट की कैसे अमिताभ बच्चन ने वाट लगा दी थी और उन्हें झेलना पड़ा बड़ा नुकसान। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। साल 1987 में अमिताभ बच्चन और सुभाष घई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक फिल्म अनाउंस की। फिल्म का नाम था देवा। फिल्म में अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी सेशाद्री, राजकुमार और शम्मी कपूर जैसे दिग्गज कलाकार थे। धूमधाम से फिल्म का मुहूर्त हुआ और फर्स्ट शॉट क्लिप दिया दिलीप कुमार ने। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन एक दिन अमिताभ आगे के सीन की तैयारी कर रहे थे, स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्हें कुछ सुधार करना था। अमिताभ को स्क्रिप्ट में बदलाव करना था तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि सुभाष को मेरे पास भेजो और बोलना कि मुझे स्क्रिप्ट के बारे में जरूरी बात करनी है। इसके बाद अमिताभ का असिस्टेंट सुभाष घई के ऑफिस में जाता है और उसने अमिताभ की कही हुई बातें बोल दी। इस पर सुभाष घई ने कहा कि अमिताभ को बोलो कि अगर उन्हें मुझसे कोई डिस्कशन करना है तो वो मेरे ऑफिस में आकर मुझसे बात करें। मैनेजर ने ये बातें वापस आकर अमिताभ को बोल दी। इससे अमिताभ की ईगो यहाँ पर हर्ट हो गई कि एक सुपरस्टार को एक डायरेक्टर ऐसे कैसे बोल सकता है, वो उनको ऑफिस में कैसे बुला सकता है और उनके कहने से उनके पास ना आकर खुद अपने ऑफिस में बुलाने का फरमान जारी कर रहा है। इसके बाद अमिताभ वहां से उठे और अपने घर चले गए। सुभाष घई ने कोई कॉल नहीं की। अगले दिन शूटिंग के लिए सेट लगा लेकिन अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए नहीं आए। तीसरे दिन भी सेट लगा लेकिन तब भी अमिताभ शूटिंग के लिए नहीं आए। ऐसे में 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। सुभाष घई डेली सेट लगाते लेकिन अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए नहीं आते। अमिताभ बच्चन ने सुभाष घई को कॉल नहीं किया क्योंकि उस दौर में वो नंबर वन एक्टर थे। उधर सुभाष घई ने भी अमिताभ को कॉल नहीं किया क्योंकि उस समय वो भी टॉप डायरेक्टर थे। दोनों अपने अपने अहंकार में चूर थे। एक हफ्ते के बाद में सुभाष घई की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंस कर दिया कि सुभाष घई और अमिताभ बच्चन की देवा नाम की फिल्म जो आने वाली थी वो अब नहीं बन रही है। एक्टर और डायरेक्टर के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से फिल्म को बंद कर दिया गया है। सुभाष घई ने एक हफ्ते तक शूट किया था और कहते हैं कि इससे उन्हें टोटल 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। उस समय 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी लेकिन सुभाष घई ने अमिताभ बच्चन को उसकी औकात दिखा दी थी, वो भी तब जब अमिताभ बच्चन की बॉलीवुड में तूती बोलती थी और हर एक फिल्म मेकर अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए मरता रहता था। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।